Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we will discuss about conflict resolution. Conflict kya hota hai? Takrao. Yani it's indifference. Kuch cheezon mein jo hai wo takrao hona. Have you ever fought with someone in class? Kya apne class mein kabhi kisi se ladai jhagda kiya hai? Or faced a situation where two groups have two different thoughts and become indecisive as to what is right and what is wrong? या दो ग्रुप्स के बीच में जो है वो लड़ाई झगड़ा होता है तो उनमें जो है वो एक ग्रुप कहता है हम ही सही हैं, दूसरा ग्रुप गलत है, दूसरा ग्रुप कहता है हम सही हैं वो गलत है. व्हाट हैपेंस इन सच सिचुएशन, ऐसे हालात में क्या होता है? हु इंटरवीन्स टू हेल्प, कौन इनकी इनमें दखल अंदाजी करता है, उनकी मदद करता है? इन सच सिचुएशन द कॉन्फ्लिक्ट पार्टीज आर सो पोजेस्ड विद देयर आइडियाज दैट द टीचर इंटरवीन्स एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, और टीचर बीच में आता है और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. इसी तरीके से व्हेन पीपल गेट इनटू कॉन्फ्लिक्ट, जब लोग कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं कौन सॉल्व करेगा? द गवर्नमेंट स्टेप्स इन टू रिजॉल्व मैटर्स एंड एंश्योर्स पीसफुल कोएग्जिस्टेंस इन पार्टीज इन्वॉल्व, और जिन पार्टीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, टकराव हो रहा है, उनके बीच में गवर्नमेंट आती है और उनको सलाह कराती है और उनके कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करती है. व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट? द सिचुएशन इन विच पीपल आर इन्वॉल्व इन सीरियस डिसएग्रीमेंट कॉल कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें लोग जो है वो खिलाफ हो जाए किसी चीज़ के या एक दूसरे के खिलाफ हो जाए. कॉन्फ्लिक्ट इन Inevitable in a country as big and diverse as India. यहाँ पे तो बहुत बड़ा मुल्क है, यहाँ पे तो कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं. इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज की भी, यानी हिंदुस्तान जो है वो बहुत बड़ा मुल्क है. मुल्क होने के बावजूद, जो कंट्री होने के बावजूद जो इसमें डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट रिलीजन है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, एथनिसिटी है. कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज व्हेन पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स डू नॉट एग्री ऑन सर्टेन इशूज. कॉन्फ्लिक्ट कब होते हैं? जब लोग जो है वो डिफरेंट बैकग्राउंड से हों तो वो आपस में जो है वो एक दूसरे की बातों को जो है वो मानते नहीं, एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं. और व्हेन पीपल ऑफ वन ग्रुप फील डिस्क्रिमिनेटेड एंड एलीड बाय द अदर, या एक ग्रुप जो है वो दूसरे को जो है वो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. तो देयर आर मेनी वेज इन विच कॉन्फ्लिक्ट्स आर एक्सप्रेस्ड, बहुत सारे तरीके हैं जिनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक्सप्रेस किए जाते हैं. सम कॉन्फ्लिक्ट्स आर एक्सप्रेस्ड, कुछ पीसफुली होते हैं, वेयर पीपल कैरी आउट पीसफुल मार्चेस निकालते हैं, रैलीज निकालते हैं, ठीक है, जिनको नॉन वायलेंट हम बोल सकते हैं. एंड प्रोटेस्ट इन अदर, यानी नॉन वायलेंट वेज में. बट सम कॉन्फ्लिक्ट बिकेम वायलेंट, कुछ वायलेंट हो जाते हैं, रिजल्ट इन लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी भी जाती है, लोगों के जाने जाती हैं, और उसके अलावा उनकी प्रॉपर्टी, लोगों की प्रॉपर्टी को भी जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी या प्राइवेट प्रॉपर्टी सबको नुकसान पहुँचता है. हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिजॉल्व, इसका मतलब यह है कि बहुत अहम है कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना. एमिकेबल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन डेमोक्रेटिक ऑर्डर इन द कंट्री, और इस तरीके से रिजॉल्व करना ताकि डेमोक्रेसी में जो डेमोक्रेसी जो है वो डेमोक्रेसी बरकरार रहे, लोगों के जो है हकूक को जो है पामाल ना किया जाए. कॉन्फ्लिक्ट शुड बी रिजॉल्व थ्रू डायलॉग्स और नेगोशिएशन के जरिए इन द वे दैट ऑल द एग्रीड पार्टीज आर सेटिस्फाइड विद इन द सोल्यूशन, और डायलॉग बातचीत के जरिए जो है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है. कोर्ट्स ऑफ द लैंड हैव बीन गिवन ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिजॉल्विंग डिसएग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज. द गवर्नमेंट आल्सो प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को सॉल्व करने में गवर्नमेंट भी बहुत अहम किरदार निभाती है और उसमें कोर्ट भी जो है वो अपना किरदार निभाता है, जुडिशरी हम बोल सकते हैं इसको. फॉर एग्जाम्पल इन द कौड़ी वाटर डिस्प्यूट में कर्नाटका और तमिलनाडु में फॉट फॉर द राइट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पीपल to the water of the river which crossed both states. अब इस दरिया पे लड़ाई हो रही थी कर्नाटक और तमिलनाडु के दरमियान, तो आफ्टर ऑलमोस्ट 16 ईयर्स ऑफ हियरिंग, कोर्ट ने 16 ईयर जो है इस पे केस चला, द केस वॉज सेटल्ड बाई द कौड़ी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल्स. इस बेस पे जो है उसको सेटल किया गया, यानी इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया गया. ठीक है, थैंक यू.